सो हे गाइस, मोटर व्लॉग इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ना गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं R15 की कॉम्पिटिटर के बारे में, ठीक है। इसमें ना गाइस, जिस प्राइस में आपको ये बाइक देखने को मिलने वाली है, यानी ये जो बाइक देख रहे हो ना, ये सुजुकी की जिक्सर SF250 देखने को मिल जा रही है, ठीक है। और ये जो बाइक है ना गाइस, आपको ना R15 के प्राइस में देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी बड़ा डिस्प्लेसमेंट वाला आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिल जाती है, पावर फीचर्स सब कुछ आपको यहाँ पे अच्छे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और R15 से ना गाइस, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे पावर देखने को मिल जाने वाली है, ठीक है। तो हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, इस क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, 2024 में आपको क्या प्राइसिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं, अब चलते हैं इसके फ्रंट की तरफ, देखते हैं आपको फ्रंट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस, आपको यहाँ पे छोटी सी विंडशील्ड देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी मस्त लगती है। और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल आपको यहाँ पे इसके मिरर देखने को मिल जाते हैं। क्वालिटी जो है ना गाइस, काफ़ी स्टडी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल जाती है। और इसकी जो हेडलाइट है ना गाइस, काफ़ी शार्प आपको देखने को मिल जाती है। आप एक बार इसके लुक्स चेकआउट करो गाइस, बहुत मस्त लगती है, ठीक है। ऊपर की तरफ आपको लो बीम देखने में जाती है, नीचे में आपको यहाँ पे हाई बीम देखने में जाती है, ठीक है। और ये दोनों साइड ना आपको इसके DRS के तरह काम करते हैं, ठीक है। बात करें इसके ब्लिंकर्स की, तो यहाँ पर गाइस आपको नॉर्मल से आपको है ब्लिंकर्स देखने में मिल जाती है। ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी, यहाँ पर इन जो ब्लिंकर्स है वो LED में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको हेलोजन में ही देखने को मिल जाने वाली है, ठीक है। साथ ही इसकी सस्पेंशन की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आप देख लो, फुल्ली ब्लैकआउट में आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, बहुत थिक मिलती है गाइस। 41 mm की आपको यहाँ पे थिकनेस देखने को मिल जाने वाली, जो कि काफ़ी मस्त है। और थोड़ी सी आपको इसकी जो सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको इसके फ्लैप भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। साथ ही अंदर की साइड देख लो गाइस, आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाने वाला है, ठीक है। मडगार्ड जो मिलते हैं ना गाइस, आपको मैट ब्लैक में ही देखने को मिल जाती है। सुजुकी की आपको यहाँ पे स्टिकरिंग देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं गाइस इसके अलॉयज की, जो कि काफ़ी मस्त लगती है, दिखा देता हूँ मैं आपको, एक बार चेकआउट करो गाइस। काफ़ी मस्त आपको इसकी स्टाइलिंग देखने को मिल जाती है, डायमंड कट आपको यहाँ पे अलॉयज देखने को मिल जाते हैं 17 इंच के। साथ ही इसके टायर सेक्शन की बात करें तो गाइस, फ्रंट में भी ना गाइस काफ़ी आपको वाइड टायर यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। सेक्शन की बात करें तो 110/70 R17 की आपको यहाँ पे टायर प्रोफाइल देखने को मिलने वाली है। और ये जो टायर है ना गाइस, आपको MRF की तरफ से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। साथ ही इसके डिस्क ब्रेक की बात करें, मैसिव 300 mm की आपको यहाँ पे इसके डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको ABS के रिंग भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। और बाइब्री की यहाँ पर आपको प्रीमियम डुअल पिस्टन कैलिपर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मस्त आपको यहाँ पे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देने वाले हैं। साथ ही इसकी साइड लुक की बात करें ना गाइस, तो देखने में बहुत मस्त लगती है। और आपको जो राइडिंग पोजीशन मिलने वाली है ना, वो भी काफ़ी मस्त देखने में मिल जाती है, बहुत कंफर्टेबल देखने में मिलती है, ठीक है। ज़्यादा एग्रेसिव नहीं मिलती, थोड़ी मोड़ी एग्रेसिव मिलती है, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल भी आपको यहाँ सेम टाइम में देखने को मिलने वाली है। डिटेल हम बात करें ना गाइस, यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाता है साइड में, ठीक है। सबसे पहले जो आपको फ्यूल टैंक मिलती है ना, वो आपको 12 लीटर के यहाँ पे देखने को मिल जाती है, बहुत अच्छी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। और ये जो कलर आप देख रहे हो ना गाइस, मैट ब्लैक देखने को मिल जाती है, बहुत प्यारा लगता है देखने में, ठीक है। साथ ही यहाँ पर आपको सुजुकी की आपको 3D में लोगो देखने को मिल जाने वाली, जो कि बहुत प्रीमियम टच दे देती है। और यहाँ पर आपको A20 की स्टिकरिंग मिल जाती है, राइड कनेक्ट एडिशन आपको ये देखने को मिलने वाली, जो कि काफ़ी मस्त है, ठीक है। अगर बताऊँगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, टेंशन मत लो। और यहाँ पर गाइस आपको जो इसकी साइड फेयरिंग देखने को मिल जाती है, उसमें आपको प्रॉपर यहाँ पर आपको जिक्सर SF की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी मस्त लगती है। थोड़ी सी आपको यहाँ पर गोल्डन फिनिश भी देखने को मिल जाने वाली इसके ग्राफिक्स में, जो कि काफ़ी मस्त लगती है, ठीक है। यहाँ पर गाइस आपको SOCS की भी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यानी सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। उसके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जो इंजन कॉल मिलती है ना गाइस, वहाँ पर आपको प्रॉपर सुजुकी की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाने वाली है, जो कि स्टिकरिंग फॉर्म में है। और उसके पीछे की साइड चलते हैं तो यहाँ पर आप इंजन चेकआउट कर लो गाइस, काफ़ी मस्त लगती है। डुअल टोन फिनिश में देखने को मिल जाती है, ब्लैक एंड थोड़ी सी ब्राउनी फिनिश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है, जो कि काफ़ी मस्त लगती है। डिटेल में बात करें ना गाइस, तो यहाँ पर आपको 249 cc की सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve एयर ऑयल कूल्ड सिस्टम देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको BS6 FI फेस्ट हो, तो आपको पता है कि उस सब में सारे बाइक में आपको देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पे E20 कंप्लाइंट भी देखने को मिल जाएगी। मेन जो चीज़ है ना गाइस, वो है इसकी पावर, मैसिव पावर, खतरनाक पावर, एकदम इंसेन वाली पावर आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। 26.5 PS की पावर मिलती है गाइस, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत क्रेजी पावर मिल जाती है, ठीक है। और वो आपको मिलेगी 9,300 RPM, ठीक है। टॉर्क की बात करें ना गाइस, तो वो भी काफ़ी इंसेन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। 22.2 Nm की आपको यहाँ पे टॉर्क देखने को मिल जाएगी, जो आपको मिलेगी 7,300 RPM में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके गियर बॉक्स की, तो यहाँ पर गाइस आपको ना 6 स्पीड की गियर बॉक्स देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी स्मूथ होती है गाइस, बहुत अच्छे एकदम क्या बोले, एकदम स्मूथ आपके यहाँ पे गियर शिफ्टिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मक्खन की तरह आप शिफ्ट कर पाओगे, जो कि काफ़ी मज़ा सा आ जाएगा। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको साइड स्टैंड देखने को मिल जाता है, साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। फिर जो राइडर के लिए जो फुटरेस्ट आती है ना गाइस, वो आपको रबर पैड में देखने को मिल जाती है, प्रॉपर एल्युमिनियम फिनिश में यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। पिलियन के लिए भी जो फुटरेस्ट आती है, वो भी आपको यहाँ पे एल्युमिनियम फिनिश में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है। और ऊपर की साइड चलते हैं गाइस, तो यहाँ पर आप सीट देख लो,
आपको स्प्लिट सीट मिलती है, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ, काफ़ी वाइड सीट देखने को मिल जाती है प्लेन के लिए भी और राइडर के लिए भी, ठीक है। कंफर्ट भी गाइस काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा आपको हार्ड देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे कंफर्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही गाइस उसके नीचे ना यहाँ पे आप चेकआउट कर लो, आपको सीट खोलने के लिए की होल देखने को मिल जाती है, साथ ही 250 की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग भी देखने को मिलने वाली है। ग्रैब हैंडल्स ना गाइस काफ़ी मस्त देखने को मिल जाती है, स्प्लिट टाइप देखने को मिल जाती है, जबकि काफ़ी स्टाइलिश आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही इसके टेल लैंप्स की बात करें ना गाइस तो बहुत प्यारी लगती है देखने में, आप एक बार देखो गाइस कितनी मस्त लग रही है, आपको एकदम एक सिंगल सी बार देखने को मिल जाती है, बहुत प्यारा लगता है गाइस देखने में, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लो आपको पूरे फ्लैश देखने को मिल जाते हैं, यानी पूरी कवर देखने को मिल जाती है, जिससे होगा क्या पीछे से जो मड उड़ेगी ना वो पिलियन के पीछे नहीं चली जाएगी, ठीक है, जो कि काफ़ी मस्त बात हो जाती है। और यहाँ पर आपको जो ब्लिंकर्स मिलते हैं वो आपको हैलोजन में ही देखने को मिलने वाले, नंबर प्लेट लाइट मिलती है वो आपको LED में मिल जाती है, ठीक है। सुजुकी की आपको यहाँ पर प्रॉपर स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, और दोनों साइड यहाँ पर आपको येलो रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि काफ़ी मस्त बात है। और थोड़ी सी ना गाइस काफ़ी स्टाइलिंग अच्छी की गई है, यहाँ पे देख लो नंबर प्लेट के लिए भी काफ़ी मस्त स्टाइलिंग की गई है, मज़ा आ गया। यहाँ पर आपको टायर हगर भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके रेयर व्हील्स की, तो गाइस ये अगर आप इसकी ना अलॉय व्हील्स की स्टाइलिंग चेक आउट करो, बहुत मस्त लगती है गाइस देखने में, डायमंड कट देखने को मिल जाती है, और थोड़ी सी आपको गोल्डन फिनिश में यहाँ पे इसके अलॉय व्हील्स में देखने को मिल जाने वाले, जो कि काफ़ी मस्त लगता है, ठीक है। टायर सेक्शन की बात करें तो 150/60 R17 के आपको यहाँ पर टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी वाइड है गाइस, मज़ा आ जाएगा चलाओगे ना, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर ग्रिप प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। साथ ही इसकी लोड कैपेसिटी की बात करें गाइस इस टायर की, तो यहाँ पर आपको 300 kg की आपको यहाँ पर लोड कैपेसिटी देखने को मिल जाने वाली है। और इसकी टॉप स्पीड की बात करें टायर के, तो 180 km/h की आपको यहाँ पर टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। और फ्रंट वाली जो टायर है ना गाइस उसकी बात करें लोड कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आपको 212 kg की आपको यहाँ पर लोड कैपेसिटी देखने को मिल जाने वाली है, और टॉप स्पीड इसकी भी ना गाइस आपको 180 km/h की देखने को मिल जाने वाली, ठीक है। रेयर ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर गाइस आपको 220 mm की तो पहले आपको डिस्क देखने को मिल जाती है, ये आप चेकआउट कर लो, और साथ ही आपको ये भी इसकी रिंग भी देखने को मिल जाती है, और बाइब्रिक आपको यहाँ पर सिंगल पिस्टन कैलिपर इसके ब्रेक कैलिपर देखने को मिल जाने वाले, जो कि काफ़ी मस्त बात है, ठीक है। और इसकी सस्पेंशन की बात करें ना गाइस, तो यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मस्त आपको यहाँ पर राइड क्वालिटी देने वाली है, बहुत कंफर्टेबल आपको मिलने वाली है, ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पर फ्लैप भी देखने को मिल जाता है डस्ट एंड मड प्रोटेक्शन के लिए। रियर ब्रेक वाल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर गाइस आप इसकी एग्जॉस्ट चेकआउट कर लो, फुल्ली क्रोम में देखने को मिल जाती है, ठीक है, डबल बैरल है, मस्त लगती है गाइस। और आपको यहाँ पर ना क्रोम की प्लेट भी देखने को मिल जाने वाली, जो कि काफ़ी मस्त है। और एक बार ना मैं आपको इसकी एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ, ठीक है। आप बताना गाइस कैसे लगी इसकी एग्जॉस्ट नोट मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब चलते थोड़ी आगे की तरफ, तो यहाँ पर आप देख लो आपको SCP की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने मिल जाती है, यानी स्टिकरिंग देखने मिल जाती है सुजुकी इको परफॉर्मेंस की, जो कि काफ़ी मस्त बात है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ना गाइस इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलते इसके हैंडल बार की तरफ, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल की बात करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करने वाले। तो गाइस सबसे पहले आप इसकी हैंडल बार चेकआउट करो, आपको ना क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी मस्त लग रही है। और एक बार आपको की भी दिखा देता हूँ, ये देख लो सुजुकी की आपको यहाँ पर की देखने मिल जाती है ब्रांडिंग के साथ, नॉर्मल से की मिलती है, वेव की यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे सुजुकी को ना वेव की देना चाहिए, क्योंकि यह 250 cc की बाइक है, और गाइस काफ़ी एक्सपेंसिव बाइक भी है, ठीक है, यानी कॉस्टली बाइक आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। बताऊँगा प्राइस, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ पर गाइस काफ़ी लाइट आपको क्लच लीवर देखने को मिल जाने वाला है, पास की स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, हेडलाइट एयर कंट्रोल यहाँ पे, हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर की स्विच देखने को मिल जाती है, और उसके नीचे आपको हॉर्न देखने को मिलता है, ठीक है। हॉर्न की आवाज़ सुनोगे, पतली सी है लेकिन काफ़ी लाउड है, ठीक है। राइट की साइड यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक ऑयल, इंजन के स्विच, और उसके नीचे आपको इंजन स्टार्ट करने की स्विच देखने को मिल जाने वाली है, ठीक है। और अब बात करते हैं गाइस इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, जानता हूँ गाइस अब पता भी है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रीमियमनेस नहीं देखने को मिलती, लेकिन जो फीचर्स आपको मिलते हैं ना वो काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी जितनी की आपको ज़रूरत है ना यहाँ पर आपको फीचर्स के, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाने वाले हैं, ठीक है। टेक करके बात करते हैं, तो सबसे ऊपर में आप देख लो आपको क्लॉक देखने को मिल जाती है, फ्यूल गेज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, एंड उसके नीचे आपको ट्रिप एज देखने को मिल जा रही है, उसमें कितनी किलोमीटर चली है वो, यानी जीरो चली है, ठीक है। दो बटन्स मिलते हैं गाइस, सेलेक्ट एंड मोड का, ठीक है। ये हैंडल क्यों घूम रही है, इसे उधर जाना है क्या? तो यहाँ पर गाइस जब सेलेक्ट का बटन प्रेस करोगे ना, तो यहाँ पर देख लो ट्रिप ए, ट्रिप ए का एवरेज, ट्रिप बी का एवरेज, और यहाँ पर आपको IFE देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको बैटरी वोल्टेज,
और यहाँ पर आपको इसकी ओडोमीटर देखने को मिल जाने वाली है, ठीक है। साथ ही गाइस यहाँ पर आपको एक मोड का बटन मिलता है, मोड का बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको जो ब्लूटूथ है ना वो पेयरिंग के लिए स्टार्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी मस्त है। अब इससे ब्लूटूथ से पेयर करोगे ना तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाती है, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, सारे फीचर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाता है गाइस कि आपके फ़ोन में कितनी बैटरी, वो भी आपको यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाने वाला है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर आपको लो फ्यूल इंडिकेटर सब कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। सर्विस रिमाइंडर भी आपको इसमें देखने को मिल जाने वाली है। कुछ वार्निंग लाइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, मैं आपको और फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये चेकआउट कर लो, न्यूट्रल, ABS, वार्निंग लाइट, इंजन टेम्परेचर, RPM एंड इंजन मैन फंक्शन की लाइट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त बात है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइस की माइलेज, टॉप स्पीड एंड प्राइसिंग की, ठीक है। तो माइलेज एंड टॉप स्पीड तो चलो मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन गाइस जो प्राइसिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है ना गाइस, मज़ा सा जाना आप सबको, ठीक है। और मेरे जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हो ना गाइस, उन सबके लिए ना एक स्पेशल मेरे तरफ से गिफ्ट, ठीक है। तो बात करते हैं इस पर इसके माइलेज की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 35 से लेकर 38 KMPL के आपको यहाँ पे माइलेज देखने को मिल जाने वाली है, जो कि काफ़ी मस्त है, ठीक है। टॉप स्पीड गाइस काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, 150 से लेकर 155 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और आप लोग तो लौंडे हो गाइस, आराम से इसे खींच के 160-165 ईजिली ले जाओगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं गाइस इसकी मेन जो है प्राइसिंग। अभी आपको जो एक शोरूम रांची में जो प्राइसिंग देखने को मिलने वाली है ना, 2,06,878, जो कि काफ़ी मस्त प्राइसिंग है। और इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें गाइस रांची के, तो वो आपको देखने को मिल जाने वाली है 2,37,937, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइसिंग देखने मिल जाती है, ठीक है। और अब बात करते गाइस आपके भाई की तरफ से एक गिफ्ट, जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हो ना और ये वीडियो देख के शोरूम विजिट करोगे ना, मेरे तरफ से जाना और बोलना कि हम ये वीडियो देख के आए हैं, आपको गाइस इंस्टेंट 2000 का वहाँ पर कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही गाइस अगर आप इसे कैश में अगर पे करोगे लोगे ना, तो वहाँ पर भी आपको ना 13,000 का डायरेक्ट डिस्काउंट, मज़ा आ जाना, यानी आपको टोटल 15,000 का यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिल जाने वाला है, ठीक है। सो अब जो इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाएगी ना गाइस, 2,22,937, जो कि काफ़ी इंसेन वाली प्राइसिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, ठीक है। 2,22,000 में आपको क्या मिल जा रहा है, 250 CC का आपको इंजन देखने को मिल जा रहा है, जिसमें आपको अच्छे खासे पावर यानी 26 PS की पावर देखने को मिल जा रही है, ठीक है। 22 Nm का आपको टॉर्क भी देखने को मिल जा रहा है, डुअल चैनल ABS देखने को मिल जा रही है, फुली LED में आपको इसके हेडलाइट देखने को मिल जाते हैं, LED में आपको यहाँ पे यानी रेयर में भी आपको इसकी चीज़ें देखने को मिल जाती है, फुली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ भी देखने को मिल जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ आपको राइड कनेक्ट एडिशन तो देखने को मिलने वाला है, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो बाइक है ना गाइस अभी आपको कहाँ पे देखने को मिलने वाली थी, ये जो बाइक है अभी आपको महालक्ष्मी सुजुकी में देखने को मिल जाने वाली है। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि आपको कैसी लगी सुजुकी जिक्सर SF250, और ये वीडियो कैसी लगी मेरे को ये भी बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना गाइस, लाइक करते हो ना तो मज़ा सा आ जाता है, ठीक है। और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों पे, अपने भाइयों पे, ठीक है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाना, मेरे जितने भी नए भाई ये वीडियो देख रहे हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अच्छा लगता है गाइस, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है जब आप सब्सक्राइब करते हो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में किसी और बाइक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस।